सबसे पहले चीज यहाँ पे आप चेक करो, आपका आर्ग्यूमेंट जीरो की ओर जा रहा है, इधर भी आपका आर्ग्यूमेंट जीरो की ओर जा रहा है अगर आप एन का वैल्यू इंफिनिटी डालोगे तो, इधर भी आपका आर्ग्यूमेंट जीरो की ओर जा रहा है। तो जब आर्ग्यूमेंट जीरो की ओर जाता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो पार्ट है इसके बदले व्हाट यू कैन डू इज वन बाय एन का आप क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर करोगे एंड डिवाइड बाय क्या करोगे टू। सेम वे बीच में क्या प्लस, यहाँ पे इट इज एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टू बाय एन, इसका क्या होएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा टू, प्लस यहाँ पे इट इज एन स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री बाय एन का स्क्वायर अपॉन क्या होएगा टू, बाहर क्या है, बाहर इट इज माइनस वन बाय थ्री लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये रेज टू क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो एन स्क्वायर सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, सबसे पहले। दूसरा क्या, सबका कॉमन डिनोमिनेटर टू है, सबका कॉमन डिनोमिनेटर टू आया, यहाँ पे वन, यहाँ पे इट विल बी फोर, इधर इट विल बी नाइन, फिर ऑफकोर्स बाहर वन बाई थ्री रहेगा, वन प्लस फोर इज फाइव, फाइव प्लस नाइन इज फोर्टीन, फोर्टीन अपॉन सॉरी माइनस फोर्टीन अपॉन क्या हो रहा है सिक्स, इधर एक्सपोनेंशियल आएगा, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल रहेगा, इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, e रेज टू माइनस सेवन बाय थ्री, या फिर इसको आप लिख सकते हो वन अपॉन e रेज टू बहुत ही सिंपल सम है, यहाँ पे x के बदले आप इंफिनिटी सब्स्टिट्यू करो, आपका आर्ग्यूमेंट जीरो की हो जा रहा है, तो डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो x इंटू पाई बाई एक्स लिख सकते हो, x और x कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आएगा कितना है?